अब वेदव्यास जी लिखना आरंभ करते हैं। सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। महाभारत का प्रसंग सातवें दिन विस्तार में आएगा, तो मैं आज आपको संक्षेप में बताती हूँ। तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई, धर्म की जीत हुई या धर्म की हार हुई। यहाँ दुर्योधन जो युद्ध भूमि थी उस पर पड़े हुए थे, मृत्यु नहीं हो रही, अंत समय है पर मृत्यु हो नहीं रही। वहां पर उनके मित्र अश्वस्थामा आते हैं, आकर पूछते हैं कि दुर्योधन सब कुछ खत्म हो गया पर तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि मेरे 100 कौरव हैं, हम मेरे जितने भाई थे वे सब मारे गए और सामने कौन, 5 पांडव, पांचों में से एक भी कम नहीं हुआ। अश्वस्थामा ने कहा मैं कुछ मदद कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कर सकते हो तो उन 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे दो, मुझे मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छी बात है, अश्वस्थामा जाते हैं। अब जाते हैं तो रात्रि का समय था, रात्रि के समय अंधेरे में वो पांडवों की जगह, पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, छोटे छोटे पुत्र, धोखे में उनके शिविर में घुस जाते हैं। अंधेरा है, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, तलवार उठाते हैं और 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर देते हैं, 5 सर लेकर आते हैं। दुर्योधन दूर से देखता है 5 सर आ रहे हैं, बड़ा प्रसन्न होता है। जैसे ही कपड़ा उठाया जाता है वो पुत्रों के चेहरे को देखता है, रोने लग जाता है, ये तुमने क्या कर दिया, अरे यही तो बच्चे थे जो हमारा पिंडदान करते, श्राद्ध इत्यादि करते, अब तो हम कौरवों की कोई गति ही नहीं, किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली, कोई बचा ही नहीं कुछ करने वाला, ये तुमने क्या कर दिया, यही तो हमारा वंश आगे बढ़ाते। रोते रोते दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब महाराज उस माता के पास, सोचिए क्या हाल हो रहा है द्रौपदी का, आज एक पुत्र की तबीयत भी खराब हो जाए माता का क्या हाल होता है, या एक पुत्र की मृत्यु हो जाए, एक साथ सामने सामने 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई, क्या बीत रही है उस माता पर। अर्जुन ने द्वारपालों से पूछा कि रात्रि को कौन आया था, उन्होंने कहा अश्वस्थामा आए थे हाथ में तलवार लेकर। अश्वस्थामा को पकड़ कर लाया जाता है, द्रौपदी के सामने रखा जाता है कि यही है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, अब तुम्हारे सामने इसकी हत्या करेंगे, तुम्हें शायद शांति मिले। द्रौपदी ने कहा कैसी शांति, इसे मारने से मेरे पुत्र वापस थोड़ी आ जाएंगे, ये भी तो किसी का पुत्र है, इसकी भी माता है और गुरु पुत्र है, गुरु हत्या का कलंक सर पर लगेगा, इसे छोड़ दो। छोड़ दिया जाता है पर अपमानित कर दिया जाता है, उनके केश काट दिए जाते हैं और सर पर एक मणि लगी थी अश्वस्थामा के, वो मणि निकाल लिए जाते हैं। ऐसे भी देखिए उन्हें मार नहीं सकते थे, 7 ऋषि हैं, ऋषि कहे देवता कहे जो अमर है, कौन कौन है पता है आपको, हनुमान जी, अश्वस्थामा, चलिए एक श्लोक है छोटा सा, उससे आपको याद हो जाएगा कौन कौन अमर है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त ऋषि चिरंजीव। तो कितने हुए, अश्वस्थामा बलिर, बलिर यानी राजा बलि, तो अश्वस्थामा बलिर व्यासो वेदव्यास जी महाराज, हनुमान च विभीषण हनुमान जी और विभीषण, कृपा परशुरामश्च कृपाचार्य जी और परशुराम जी, सप्त ऋषि चिरंजीव, ये 7 ऋषि है जो अमर है।
अभी भी कहीं ना कहीं है। तो महाराज इसीलिए इन्हें नहीं अश्वस्थामा को नहीं मार सकते थे, लेकिन मृत्यु कर देते तो शायद अच्छा होता। क्यों? क्योंकि मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जो अपमान का होता है। किसी को मार दो चलेगा, पर उसे अपमानित करके मत छोड़ो। अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है। तो महाराज यहां उन्हें अपमानित कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया। तो अब यहां से जाने के बाद अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, वो पांच पुत्र तो मारे गए, पर उत्तरा के गर्भ में आखिरी अंश पल रहा था पांडवों का, वो गर्भवती थी। अश्वस्थामा ने उसके गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास जाती है, वो पांडवों के पास नहीं गई, महाराज के पास नहीं गई, द्रौपदी के पास नहीं गई, वो भगवान के पास गई। हमारे दिक्कत होती है, हम किसके पास जाते हैं? पहले रिश्तेदारों के पास, फिर थोड़ा सोर्स लगवाते हैं, बड़े बड़े सेठों के पास जाते हैं, किसी ना किसी को फोन करते हैं, सबसे हार जाते हैं, तब भगवान के पास जाते हैं। जैसे भगवान तो हमारे ही काम करने के लिए बैठे हैं कि कब ये आए हर जगह से, बातें कर कर ना हो तो मेरे पास आए और मैं काम करूं। पर उत्तरा सबसे पहले भगवान के पास गई, और क्या कहते हुए। कई भक्त ऐसा भी सोचते, कई जनों ने कहा है जब नरसिंह जी की बात कही जाती है मीराबाई की, कि वो तो अलग ही भक्त थे, हमारी ऐसी किस्मत कहां के हमें भगवान दर्शन दे। ये कहते ना नेगेटिव सोच। उत्तरा ने क्या सोचा? ऐसा नहीं, उत्तरा बहुत पुण्य करने वाली थी, धर्म का पालन करने वाली थी, और कभी उन्होंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किए थे। पर उसने कहा कि जिसने मेरी सास की रक्षा की है वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा, जिसने इतने भक्तों की रक्षा की है वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। जैसी भी हूं मैं, पर हूं तो उनकी, दर्शन उन्हें ही देना होगा, रक्षा उन्हें ही करनी पड़ेगी। इस विश्वास के साथ गई वो उनके पास, रोते हुए बिलखते हुए ठाकुर जी के पास जाती है। और जैसे मैंने कहा, ठाकुर जी भक्त का रोना नहीं देख सकते। तो पहली बार भगवान ने जितने अवतार लिए वो कभी भी गर्भ के अंदर नहीं गए थे। ठाकुर जी हर समय अवतार ग्रहण करते हैं, प्रकट होते हैं वहां पर, किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए ठाकुर जी। पर भक्त के लिए वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, गर्भ के अंदर जाकर एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। छोटे से राजा परीक्षित गर्भ के अंदर बैठे हैं, भगवान के दर्शन करते वो गर्भ के अंदर ही। वो ब्रह्मास्त्र आता है, विफल हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी खड़े हैं सामने। ठाकुर जी फिर गर्भ से बाहर निकल आते हैं। अब यहां सबको राज काज संभाल कर ठाकुर जी जाने लगते हैं। अब ये सब भी कैसे करे ठाकुर जी, ठाकुर जी की कृपा हम पर कैसे हो, ठाकुर जी को अपना कैसे बनाए। किसी भी मनुष्य को, चलिए एक सांसारिक भाव से सोचिएगा, दिमाग से सोचिएगा, अगर किसी इंसान को हमें अपने वश में करना है तो उसे कैसे वश में करें। देखिए, इसलिए मैंने कहा सांसारिक भावना से सोचिए। ये तो आप कथा में बैठे तो अभी अच्छे भावना ही आएंगे कि प्रेम से, अच्छे व्यवहार से, ये बाहर ये भावनाएं नहीं रहती। तो सांसारिक भावना से, सांसारिक मन से सोचिए कि एक इंसान को अपने वश में करना है, उसे वश में कैसे करें। उसकी कमजोरी पकड़ लो, उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, अपने आप वो इंसान वश में आ जाएगा। अब भगवान को वश में कैसे करें, उनकी तो, वो तो परम पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उनकी कोई कमजोरी हो सकती है? है। वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, और असल में रोना, वो ग्लिसरीन लगा के रोना नहीं, उन्हें सब समझ में आता है, असल में रोना। ठाकुर जी खुद कहते हैं
कि एक बार भक्त मेरे सामने रोकर मुझे पुकार ले और मुझे कह दे कि मैंने आज तक जो किया सो किया, पर अब मैं आपका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं उसी वक्त उसके करोड़ों करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता हूं। वो एक बार मुझे सामने आकर पुकार ले, क्योंकि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। ये भगवान की कमजोरी है।